लास्ट हमने ये किया था डिफाइनिंग फंक्शन, हाउ टू डिफाइन एनी फंक्शन इन मैथमेटिका. वी जस्ट राइट एफ ऑफ एक्स अंडर स्कोर ब्रैकेट विल बी ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट एंड सच दैट ए कॉलन है, कॉलन इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स. सो शिफ्ट इंटर किया तो ये डिफाइन हो गया है. ठीक है, तो हमने वैल्यू देखी थी इसकी, इसमें क्या क्या वैल्यू आ रही थी. एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू ये आ रही है, एफ ऑफ पाई बाई थ्री की वैल्यू ये आ रही थी. अब देखो इसको डिफाइन करने से फायदा क्या हुआ. नाउ हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, कैसे फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक, मैंने शिफ्ट इंटर कर दिया, इट मीन्स ये एग्जीक्यूट हो गया है. नाउ मुझे डेरिवेटिव ऑफ ये इक्वेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डी, कैपिटल डी, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, डी फॉर डेरिवेटिव. ये एक्चुअली इनबिल्ट फंक्शन है. इनबिल्ट फंक्शन का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी अंदर बने हुए हैं. सो एफ ऑफ एक्स, हम डिफ्रेंशिएट एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉमा एक्स, तो ये दे रहा है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स. ये देखो, ध्यान से देखो इसको, इसका एफ ऑफ एक्स जो है इसका डेरिवेटिव क्या आया, ये वैसे भी यही आएगा डेरिवेटिव, आप मैन्युअली करोगे तब भी यही है. तो भाई मैथमेटिका हमने डायरेक्ट कर दिया ये. अब देखो एफ ऑफ एक्स डिफाइन करने से हमारा क्या फायदा हुआ, मैंने डी लिखा, ये पूरी वैल्यू लिखनी नहीं पड़ी, ये एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, सीधे एफ ऑफ एक्स कर दिया कॉमा एक्स, इट मीन्स द फंक्शन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. नाउ इसी में अगर मैं करता हूँ कि मुझे टू टाइम्स डेरिवेटिव करना है, यानी इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, सो एफ ऑफ एक्स दो तरीके हैं, देखो ध्यान से, या तो आप एक्स कॉमा एक्स कर दो, ये टू टाइम डेरिवेटिव होगा, या आप डी ऑफ एफ ऑफ एक्स करो और ब्रैकेट में एक्स कॉमा टू, इट मीन्स इसको डेरिवेटिव कर रहा है टू टाइम. देखो ये दोनों कमांड मैंने एक ही में लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ राइट साइड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सिंबल कहता है कि आपका जो कमांड है एक ही जगह पे इनपुट है, आपने जो इनपुट लिखा है एक ही जगह पे. अब यहाँ पे आप लिखते रहोगे, इफ यू राइट हियर कुछ भी तो एंटर करते रहेंगे, दिस लाइन विल बी इंक्रीज. अब मैं इसको शिफ्ट इंटर करूंगा, ये देखो दो आउटपुट देगा, एक इसके लिए एक इसके लिए, दोनों के लिए सेम मीनिंग है. सपोज मुझे इस कमांड का आउटपुट हाइड करना है, नहीं दिखाना है, किसी भी कमांड का आउटपुट नहीं चाहिए. इफ यू डोंट रिक्वायर्ड एनी आउटपुट ऑफ एनी इनपुट कमांड, सो जस्ट इंसर्ट सेमी कॉलन आफ्टर द कमांड, then shift enter, its output will be height and its output is 6x minus sin x. Semicolon is used for hiding output, simply. Semicolon हम कब use करते हैं, जब हमें किसी output को hide करना हो. अब ये तो हमने कर लिया, now एक method ये है derivative करने का, function already define कर चुके हम, f dash, सीधे डैश लगाना है. तो जब हम एफ डैश एक्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एफ डैश एक्स करते हैं एंड शिफ्ट इंटर करेंगे, तब भी वैल्यू वही देगा जो हमने डी एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स किया है. इफ वी नीड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वन टाइम, देन वी जस्ट डू एफ डैश एक्स, नॉर्मल जो डैश कीबोर्ड में गिवन होता है उसको, एफ डैश एक्स गिव्स द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ. अगर मुझे दो बार डेरिवेटिव चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एफ डैश डैश एक्स, टू टाइम डेरिवेटिव विल बी दिस वन, सिक्स एक्स माइनस साइन एक्स.
थ्री टाइम करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स इस तरीके से, ठीक है, डेरिवेटिव आप समझ लेना, मैं यही यूज करूंगा थ्रू आउट, मैं तो यही यूज करूंगा। डेस्कटॉप पे आप करो तो यही यूज करेंगे, जब डिफरेंशिएशन इक्वेशन आएंगे ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो सीधे वाई डैश के फॉर्म में लिखेंगे हम। इफ वी रिक्वायर्ड ए डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स सम पॉइंट, एट सम पॉइंट, सपोज वी नीड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट जीरो, इफ वी नीड जीरो, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट जीरो, यानी फर्स्ट हमने डेरिवेटिव किया, फिर उस पर एक्स के जगह हमने जीरो पुट किया, यानी मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन था ऊपर, उसका डेरिवेटिव आया ये, अब ये जीरो पे एट जीरो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, इट डायरेक्ट गिव्स वन। ओके, अगर आप यहाँ पे चेक करो, एक्स की जगह जीरो एंड कॉस जीरो इज वन, दिस वन जीरो प्लस वन इज वन, तो डायरेक्ट एफ डैश जीरो, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जीरो इवेल्यूएटेड बाय दिस फार्मूला एफ डैश जीरो। इफ अगर हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है डैश वाली, देन हम क्या करेंगे, डी वाली फैसिलिटी तो है ही, बिकॉज वी आर राइटिंग द फंक्शन डी, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स नाउ किसी पॉइंट पे, तो मुझे देखना है इसको एक्स पॉइंट पे स्लैश डॉट एक्स डॉट एक्स, फिर आपको क्या करना है डैश ग्रेटर देन, डैश ग्रेटर देन, जब आप स्पेस देंगे ये एरो का फॉर्म आएगा, देखना जब आप स्पेस देंगे दिस विल बी एरो, एरो बन गया। नाउ जीरो, इट मींस होता है कि दिस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट जीरो शिफ्ट इंटर वन आएगा। इफ आई चेंज दिस वैल्यू, सपोज आई नीड द वैल्यू ऑफ दिस वन एट पाई बाई टू, सो आई कैन राइट हियर पाई बाई टू, वैल्यू विल बी थ्री पाई स्क्वायर बाई फोर, बिकॉज कॉस पाई बाई टू विल बी जीरो। स्लैश डॉट का मतलब ये हुआ कि भाई रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड एक्स इज हियर पाई बाई टू, स्लैश डॉट एक्स एरो gives the placing the value of x in the derivative of f of x. Syntax आपको देखना है तो d, what d function, shift enter. So these are the rule for d. अब देखना यहाँ पे क्या है, this gives the partial derivative del f over del x. If we are doing the partial derivative with respect to single independent variable, it gives the automatically ordinary derivative. Sin 60 की वैल्यू निकल चाहिए, नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली आप ये करोगे 60 करो, क्योंकि ये तो कुछ न्यूमेरिक वैल्यू देना चाहिए इसको, ऐसे इस टाइप का फॉर्म नहीं बना पा रहा है तो आप n यूज करो, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू, तो उस पे तो देना ही देना है फिर इसको। अगर आप पाई में लिखोगे, जैसे पाई बाई फोर जब करोगे वो वैल्यू देगा, लॉग फिर लॉग टू की वैल्यू नहीं दे रहा है, अब न्यूमेरिक वैल्यू देखो इसकी, क्योंकि जैसे लॉग टू की वैल्यू है ना एक्यूरेट नहीं होती, कुछ पॉइंट कुछ करके जो होगी जो भी होगा वो वैल्यू हम जब चेक करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू करेंगे फिर देखेंगे 0.693147 इस तरीके से, तो न्यूमेरिक वैल्यू देखनी है इनकी हमें, ठीक है, जो न्यूमेरिक वैल्यू तो सबकी दे देगा, इसमें ग्राफ भी बनाने को आएगा, वही तो करना है हमें सर, मेरे में अपने आप ग्राफ आ गया। अरे कैसे आया भाई
सर पता नहीं वो मैंने नीचे से आ जाता है, गलती नीचे ऑप्शन आता है सर हाँ उसमें ग्राफ। कर लिया होगा, उसमें क्लिक हुआ होगा। तो ग्राफ की तो हम कमांड लिखेंगे, जो भी प्लॉटिंग वगैरह है मेन वही करना है हमें एक्चुअली में। तो ये जस्ट हम एक डेरिवेटिव बार कैसे दिखाना करते सर हैं, ग्राफ का। ग्राफ अभी आएगा तभी तो दिखाऊंगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं अभी। हमें अभी अभी हमने क्या किया, डेरिवेटिव एट पॉइंट, डेरिवेटिव एट पॉइंट। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव अगर करना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सपोज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो फंक्शन, इफ वी डिफाइनिंग फंक्शन विद टू वेरिएबल। अब देखो अभी तक आपने फंक्शन डिफाइन किया है सिंगल वेरिएबल में, अब टू वेरिएबल में। बिफोर दैट चलो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बाद में करेंगे वो। सर थोड़ा लास्ट स्लाइड खोलना सर, ऊपर जाना। थोड़ा सर थोड़ा और। हाँ सर आपने x²2, ये किसके लिए करा था ये? ये तो इन्होंने कहा था डायरेक्ट मुझे बिना डिफाइन किए गए, अगर विदाउट डिफाइनिंग एनी फंक्शन अगर डेरिवेटिव करना है तो क्या करें हम, तो डायरेक्ट फंक्शन यहाँ पे लिख दो कॉमा एक्स लगा दो। ठीक है, ये किस लिए, विदाउट डिफाइनिंग, दिस इज विदाउट डिफाइनिंग फंक्शन। विदाउट डिफाइनिंग फंक्शन वी जस्ट राइट द कमांड डी एंड फंक्शन। यहाँ पे जो भी आएगा फंक्शन आएगा, कोई भी फंक्शन गिवन हो, सपोज आप x² + x³, ये अगर बिना डिफाइन किए गए तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन लिखोगे। फर्स्ट राइट फंक्शन हियर, देन कॉमा एक्स, देन शिफ्ट इंटर, तो जो भी इसका डेरिवेटिव होगा यहाँ पे देगा। नाउ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है, जस्ट राइट द इंटीग्रेट फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर दिया है, अगर हमने डिफाइन नहीं किया है तो सपोज मैं एक्स एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन चाह रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्लोज। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स देगा। ओ साइन एक्स यहाँ पे देखो, कुछ भी अगर मिस्टेक होगा तो ये आउटपुट नहीं देगा। तो मैंने साइन एक्स एक्स को गया, ये साइन एक्स तो है ही नहीं, ऐसा ये कमांड होगा साइन एक्स, दिस इज x² / 2 - cos x। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। आप देखो हमने ऊपर फंक्शन मेरा क्या है, सबसे टॉप पे डिफाइन किया था, थ्रू आउट इसमें पूरा वही काम करेगा। क्या था डिफाइन किया हुआ, ये है ना, नहीं ये वाला। अब मैं इसका इंटीग्रेशन चाह रहा हूँ, मैं बार बार फंक्शन डिफाइन नहीं करता, ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं इसका इंटीग्रेशन चाह रहा हूँ जो भी फंक्शन है मेरा ऊपर। तो इंटीग्रेट फंक्शन विच ऑलरेडी आई डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज द इंटीग्रेट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द डिफाइंड फंक्शन। आपने जो फंक्शन डिफाइन किया है उसका करो आप। ऑलवेज रिमेंबर हियर, मैथमेटिका डज नॉट सप्लाई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज फॉर द इनडेफिनेट इंटीग्रल। जब आपका लिमिट दे रखा होता है उसको डेफिनेट कहते हैं। इफ देयर इज नो लिमिट, एक्स की कोई भी लिमिट नहीं है, सो दिस इज इनडेफिनेट। सो अगर इफ वी हैव सम वैल्यू फ्रॉम एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to सपोज 3, देन इंटीग्रेट सेम कमांड
इंटीग्रेट सपोज एफ ऑफ एक्स कॉमा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑफ कोर्स अगर इनडेफिनेट है तो, डेफिनेट है तो एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, सपोज मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो कॉमा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स सपोज पाई बाई टू, देन क्लोज, देन इंटीग्रेशन विल बी दिस वन प्लस पाई टू द पावर फोर बाई 64. तो यहाँ पे सिंटेक्स टू है, दो टाइप के, एक इनडेफिनेट के लिए एक डेफिनेट के लिए. अगर इनडेफिनेट है तो जस्ट राइट द फंक्शन एंड एक्स. इफ वी हैव द वैल्यू मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स देन वी राइट लाइक दिस. सपोज मैंने चलो क्लियर ऑल कर रहा हूँ मैं एफ कॉमा एक्स क्लियर कर रहा है. एक नया फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, पुराने फंक्शन में कब तक काम चला है. ठीक है चलो क्या ले, एक्स प्लस साइन एक्स, ज़्यादा नहीं ऐसे लेते हैं पता चले जिससे. शिफ्ट एंटर, मैंने फंक्शन डिफाइन किया, अब इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं ये, अब शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ. क्या देखो अगेन मेरा गलत हो गया बिकॉज एस शुड बी कैपिटल. तो ऑलवेज इनबिल्ट फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल लेटर, सो एस शुड बी कैपिटल. नाउ फंक्शन डिफाइंड, देन इंटीग्रेट दिस वन, इफ वी पुट द लिमिट फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू देन इट गिव्स द दिस वन. तो फंक्शन नया डिफाइन करो, आप पुराना फंक्शन क्लियर करके नया करो, पैलेट यूज करो. एक बार मैं दिखा रहा हूँ पैलेट यूज करके, पैलेट्स का यूज ये जो है इंटीग्रेशन मुझे चाहिए. तो यहाँ पे मैंने गया, ये वाला वैल्यू यूज किया. ठीक है बेसिक मैथ असिस्टेंट में, असिस्टेंट में ये लोअर वैल्यू मेरा जीरो है. एक्चुअली ये जो सॉल्यूशन है इसका है अपर वैल्यू मेरा है पाई बाई टू. सो एक्सप्रेशन इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे. तभी मैंने एक्स वेरीज फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू दिया. शिफ्ट एंटर, बेसिक मैथ सिस्टम में जाके इस टाइप का आएगा, बेसिक कमांड्स में जाके देखो, बेसिक कमांड्स. ठीक है कैलकुलेटर को हाइड कर लो, छोटा कर लो, बेसिक कमांड्स में जाके देखो. फिर उसमें यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का साइन है उस पर क्लिक करो, तो यहाँ पे दिख जाएगा ये इनडेफिनेट के लिए, ये डेफिनेट के लिए. और भी तरीका है कीबोर्ड के थ्रू करने का. ठीक है ये लिखा हुआ है यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए, कीबोर्ड एंट्री एस्केप किया, एस्केप वाला ई एस सी वाला जो सिंबल होता है कीबोर्ड में, एस्केप इंट आई एन टी फिर टी फिर एस्केप दबाया तो वो आएगा. दिस इज फॉर द इनडेफिनेट, और ये डेफिनेट के लिए भी है, यहाँ पे भी दिखाएगा एस्केप D int, डेफिनेट के लिए D आगे लग गया, D int I N T T फिर इसका वो अपने आप सिंबल आएगा. अगर आप डेस्कटॉप यूजर है तो डेस्कटॉप पे कर सकते हो ये चीजें. Y इक्वल टू अगर आप ये लिख रहे हो D ऑफ क्या, ये कर रहे हो ना कॉमा X भी. यस सर. एक्चुअली ये फंक्शन, ये y जो है ये y डिफाइन नहीं हुआ है. y जो है दिस इक्वल टू इज द सिंबल ऑफ द असाइनमेंट, ये इस पे असाइन हो रहा है. ठीक है जहाँ पे भी y की वैल्यू मैं लिखूंगा इट मीन्स वो देगा d ऑफ f ऑफ x कॉमा x,
is nothing but d of derivative of f of x comma x. तो जब भी whenever you define function, you just write f any number. Suppose आपका name, कोई भी name दे दो, variable जिसको define, जो independent variable होगा, underscore is equal to anyone. कुछ भी लिख लो, 1 plus x plus, suppose x square, colon, must a colon. तो अपने नाम से भी कर सकते हो आप, जैसे अब मैंने किया यहाँ पे शिफ्ट एंटर. नाउ जैसे इनपुट आया, इसके सामने इनपुट आया, इट मीन्स द नेम कमांड इज डिफाइंड. सो नेम मुझे चाहिए वैल्यू 2, 2 पे वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी. 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 7. कोई भी फंक्शन f ही लेना जरूरी नहीं, आप कुछ और भी ले सकते हो, ये नहीं. लेकिन ध्यान रहे, वेन एवर यू टेक द वेरिएबल हियर, फंक्शन हियर, फंक्शन मस्ट नॉट बी इनबिल्ट. इनबिल्ट फंक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे. जैसे d है, अब d डिफाइन करके नहीं ले सकते हम, ठीक है, कहीं पे दे सकता है, लेकिन कहीं पे अगर अब फिर यूज करना हो d हमें, तो इस फॉर्म से ऑलरेडी d को डिफाइंड है, तो हम यहाँ यूज नहीं करेंगे. तो स्मॉल लेटर में हम तभी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जब भी मैं कर रहा था स्मॉल लेटर को, इसलिए क्योंकि भाई स्मॉल लेटर इज नॉट डिफाइंड इन साइड मैथमेटिका. तो हम स्मॉल लेटर से कोई भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. सपोज टू वेरिएबल, अभी हमने जो भी f डिफाइन किया है सिंगल वेरिएबल के लिए f ऑफ x. नाउ डिफाइनिंग फंक्शन विथ टू वेरिएबल, सपोज आई एम डिफाइनिंग f, फर्स्ट आई एम गोइंग टू क्लियर इट. f कॉमा x. Now define function with two variable, suppose x comma y. तो जब भी independent variable होंगे, whenever the variable appear, तो जब भी define करेंगे आप f x underscore and y underscore. If you are defining function with two variable, if three variable, then x underscore comma y underscore comma z underscore. And colon equal to, suppose x into y, into किया मैंने space दिया, plus sin x into y. Now shift enter. So now function of two variable is defined. यानी अगर मुझे वैल्यू चाहिए f ऑफ पाई कॉमा 1/2, इट मीन्स द पाई मीन्स x की जगह पाई, 1/2 कम्स एट y. तो शिफ्ट एंटर, इट गिव्स द 1 प्लस पाई बाई टू. ये क्या हो रहा है, x के प्लेस पे पाई को रख रहा है, y के प्लेस पे 1/2 रख रहा है. ये जो पाई बाई टू आया है, इसकी वैल्यू है, एक्स इंटू वाई की वैल्यू है, एंड साइन एक्स इंटू वाई की वैल्यू जो है पाई कॉमा 1/2 पे 1 है. अब इसको, अब दो वेरिएबल है, तो पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए भी सेम, डी ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. It means this is f of x comma y is differentiating with respect to x. It gives the y plus y cos x y. This is partial derivative because it differentiates this function with respect to x only.
अगर आपको वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो डी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा वाई, ठीक है। तो इसने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई ओनली, प्लॉटिंग ए फंक्शन। फंक्शन को प्लॉट करना है तो फर्स्ट मैं क्या कर लेता हूँ, डिफाइन कर भी लेता हूँ, नहीं भी करूँगा तो डायरेक्ट मैं प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट डिफाइन किया मैंने, सपोज एक्स स्क्वेयर माइनस टू इंटू एक्स करूंगा, ठीक है, स्पेस एक्स, टू इंटू एक्स प्लस फोर। इसी में कर सकता हूँ या मैं नेक्स्ट में भी लिख सकता हूँ, प्लॉट, वी आर जस्ट ड्रॉइंग द ग्राफ, प्लॉट दिस फंक्शन, इसी फंक्शन को प्लॉट कर देता हूँ मैं, एंड मुझे एक्स को वेरी करा देता हूं मैं, सपोज -5 to 5, ये सिंटेक्स है फॉर प्लॉटिंग के लिए। प्लॉट एफ ऑफ एक्स जिसको प्लॉट कराना है, एंड हमें रेंज देना है, रेंज नहीं मैं कहूँगा इसको, डोमेन, डोमेन जो देना है एक्स का, एक्स की वैल्यू जो देनी है वो -5 to 5 के बीच में। इस तरीके से होगा क्वेश्चन, प्लॉट दिस फंक्शन इन द डोमेन -5, 5, इंटरवल दे देगा -5 to 5। सो प्लॉट, जस्ट प्लॉट, देन राइट फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज -5 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, देन शिफ्ट एंटर, ये और रन। सो कहाँ गए अभी, तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 20 तक दिखा रहा है इधर, लेकिन ये ऊपर ऐसे जा रहा है एकदम रैपिडली नेगेटिव में। तो मैं क्या करूँ, और ये ध्यान रहे, दिस दिस एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द डोमेन, ओके, एक्स एक्सिस कॉल्ड इज डोमेन, एंड वाई एक्सिस इज कोडोमेन, और जहां पे फंक्शन का ग्राफ लाई करेगा, दिस इज कॉल्ड द रेंज। इफ वी चेंज द रेंज हियर, प्लॉट रेंज, प्लॉट रेंज में मैंने क्या किया, ये 0 से ऊपर है, पॉजिटिव है, दिख रहा है। नाउ मैंने क्या किया, प्लॉट रेंज में 0 to 0 to 20 क्लोज, तो इस तरीके से दे रहा है। देखो मैंने क्या किया, फंक्शन डिफाइन किया, इसी में फंक्शन डिफाइन किया, इसी में प्लॉट लिख दिया, फंक्शन रख दिया, एंड एक्स को डोमेन दे दिया -5 to 5, यानी लेफ्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ -5 जहाँ होगा इस पे लाई करेगा, एंड ये जो एक्स -5 यहाँ पे, एक्स इज लाइज इन दिस एक्सिस, वाई इज लाइज इन दिस एक्सिस, इट मीन्स रेंज इज लाइज इन दिस एक्सिस। तो रेंज जो होगा 0 to 20 है, तो 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 20 यहाँ है, तो ये ग्राफ जो है 0 और 20 के बीच में ही शो हो रहा है, तो रेंज को हम चेंज कर सकते हैं ऐसे। अब क्या होता है, जो ये ऑटोमेटिक में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑटोमेटिक, अगर हम कुछ ना करें इसको, रेंज ऑटोमेटिक ही रहने दें, तो वो जो पहले दिया है वही देगा, यानी ऑटोमेटिक जो मैथमेटिकल रीड करता है, इसको हटा दिया मैंने, शिफ्ट एंटर किया, वो ये ऑटोमेटिक है, तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, रेंज इसको दे दूंगा अपने हिसाब से, मुझे चाहिए 0 to 20 रेंज। इफ आई नी रिक्वायर्ड 0 to 20 प्लॉट रेंज, देन वी जस्ट राइट 0 to 20, 0, 20 इस तरीके से। हो सकता है आगे एक्स को हम बढ़ाए, सब ये जरूरी नहीं है 5 to 5 ही हो, ये डोमेन सपोज 10 to 10 कर दिया मैंने, -10 to 10, तो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से आराम से जा रहा है स्लोली। अब मैंने क्या किया, इसका ये सपोज 10 to 10 दे दिया डोमेन, अब एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे -10 to ये 10 दिख रहा है, लेकिन
ऑटोमेटिकली रेंज जो है हमारा इस पे लाई करता है, तो रेंज जो है हमारा इधर 120 और इससे ऊपर तक जा रहा है, तो मुझे करना है रेंज इतना बड़ा नहीं चाहिए, उसने कह दिया रेंज इसमें डालो, तो प्लॉट रेंज पी कैपिटल प्लॉट प्लॉट लिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, इनके बारे में भी सीखेंगे जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगा। प्लॉट रेंज, प्लॉट रेंज में क्लिक किया तो ये अपने आप एरो बनेगा, अगर एरो नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे प्लॉट लिखा फिर रेंज, आर कैपिटल होता है इसमें रेंज, फिर ये डैश करके एरो बनाना है, या सपोज रेंज चाहिए मुझे 0 to चलो 60 कर लेते हैं, देन शिफ्ट एंटर किया तो ये जो रेंज है 0 to 60 यानी 120 था उसको हटा दिया, उसने 0 to 60 मुझे दिखाया ग्राफ में। इन द प्लॉट रेंज ग्राफ अपियर अबोव द वाई इक्वल्स टू 0 एंड बिलो द वाई इज इक्वल टू 50। ग्राफ जो अपियर होगा अबोव द वाई इक्वल्स टू 0 एंड बिलो द वाई इक्वल्स टू 50 वेयर वाई लाइज इन दिस वर्टिकल लाइन। प्लॉट रेंज का काम ये है, देखो आपका अगर नहीं हो रहा है इसको अलग अलग करो, ठीक है पता चलता है यहाँ से। डिफाइन किया शिफ्ट एंटर किया ये इनपुट दिखाया, ठीक है अब मैंने प्लॉट वाली कमांड यूज की, अब मैं कर रहा हूँ शिफ्ट एंटर, तो ये मेरा प्लॉट वाला ग्राफ बना। या अगर आपने सही से फंक्शन डिफाइन किया है ऑलरेडी आपको पता है तो आप इसको एक ही साथ भी लिख सकते हो, वो फंक्शन डिफाइन भी हो जाएगा और उसकी वैल्यू आप यूज कर सकते हो। तो प्लॉटिंग का कमांड है प्लॉट फंक्शन फिर इसके डोमेन, प्लॉट फंक्शन डोमेन, एंड ये तो एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट है जो आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते, ठीक है जैसे अब उसने कहा होगा प्लॉट रेंज, इसमें प्लॉट रेंज भी दो कुछ दो तो आपको देना पड़ेगा। By default, the color of graph is blue. If I want to change its color, then just write here plot. Plot की command चल रही है तो first plot ही आएगा, plot style. Plot style. If I want to make it suppose red, plot style. Then arrow, then color, red. Then it will be red. This is just for the coloring. ठीक है plot style, जो भी आपका favorite color है suppose green. Actually ये जो graph बना है आपके -10 to 10 के interval में बना है, यानी -10 से लेके 10 के बीच में ही तो बना है पॉइंट। अब जैसे 0 पे यहाँ पे लाइन, 5 पे यहाँ पे, एक ही प्लॉट में अब दो फंक्शन होंगे तो दो आएंगे। सपोज अब डबल आपको करना है, जैसे ये तो ठीक है प्लॉट स्टाइल हो गया, चलो ब्लू कर दिया मैंने, आपको सपोज एफ और जी दो फंक्शन है उसको प्लॉट कराना है, ठीक है तो मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे, दो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, पहले क्लियर करा देता हूँ क्योंकि फंक्शन एफ ही मानूंगा एक, एफ कॉमा एक्स आप भी कर लो ये। अब आप एक फंक्शन डिफाइन कर लो एफ, दूसरा मैं कर ले रहा हूँ जी एक्स, जी एक्स के आलू में कॉस एक्स ले लेता हूँ, चलो दोनों फंक्शन डिफाइन कर लो, शिफ्ट एंटर कर दिया मैंने तो यहाँ पे इनपुट आया मेरा, तो ये एक्चुअली डिफाइन हो चुका है। नाउ प्लॉट, दोनों को कर रहा हूँ मैं एक ही प्लॉटिंग में, प्लॉट अब दो है मेरे पास फंक्शन, तो मैं कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करूंगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स, दोनों लिखा मैंने, कमांड सेम होगी, रेंज यानी डोमेन, सपोज डोमेन है मेरा -15 to
15 कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। देखो कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ खत्म, और x वेरीज फ्रॉम -5 टू 15। रेंज रेंज कुछ नहीं देना मेरे को, डायरेक्ट देखना है डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये क्या दे रहा है। नाउ प्लॉट किया ये, ठीक है। अब एक मेरा जो ग्राफ है वो साइन का है, एक कॉस का है। अब ये बहुत ऐसे दिखा रहा है, मैं थोड़ा कम ले रहा हूँ यहाँ पे, माइनस सपोज 5 to 5 कर देता हूँ ये। हमें पता है ये ब्लू ब्लू, हमें ये पता है ब्लू इज द साइन, ये साइन है, और ये जीरो पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, जीरो पे साइन की वैल्यू 0 होती है। तो ब्लू इज इंडिकेटेड टू साइन एंड येलो इज कॉस। अब मुझे इसको भी यहाँ पे शो कराना है कि ये क्या है, मतलब कौन सा ग्राफ किसका है। तो मैं क्या करूँगा, प्लॉट, प्लॉट तो आएगा ही, प्लॉट लीजेंड्स, प्लॉट लीजेंड्स, प्लॉट लीजेंड्स, ये एरो डबल स्कोप है, मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा बिटवीन दिस टू इन्वर्टेड कॉमास, एक्सप्रेशन लिख दूंगा, देन शिफ्ट एंटर। अब देखो ये ब्लू मीन्स द एफ ऑफ एक्स है एंड येलो मीन्स द जी ऑफ एक्स है। देखो मैं इस कलर को भी चेंज कर रहा हूँ, कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं, प्लॉट प्लॉट स्टाइल। अब देखो जब प्लॉट स्टाइल लिखोगे, पहला जो कलर होगा पहले वाले फंक्शन का आएगा। चलो पहले फंक्शन को आपने एफ ऑफ एक्स से ब्लू ही कर दिया, सेकेंड को मैं कर रहा हूँ ग्रीन। अब शिफ्ट एंटर करते हैं, ठीक है। ब्लू फर्स्ट वाला जो प्लॉट स्टाइल होगा ब्लू कलर का, दिस इज द कलर ऑफ द एफ एक्स एंड ग्रीन विल बी द कलर ऑफ द जी एक्स। प्लॉट लीजेंड्स एक्सप्रेशन का है, ये इस तरीके से एक्सप्रेशन देगा, अपने आप देगा ऑटोमेटिकली, जो आपके एक्सप्रेशन है एफ और जी एक्स वो बता देगा। प्लॉट स्टाइल हम कलर को करने के लिए करते हैं हम प्लॉट स्टाइल। और अगर आपको रेंज भी चाहिए, यहाँ पे रेंज तो ऑलवेज -1 से 1 है, बाय डिफॉल्ट दिया है। अगर आप -2 to 2 करोगे रेंज, सब इसके अंदर लिखना है बस। प्लॉट क्या हुआ, प्लॉट रेंज नहीं, प्लॉट हाँ रेंज ही है, प्लॉट रेंज सपोज मैं कर रहा हूँ -2 to 2, क्योंकि भाई साइन कॉस की वैल्यू वैसे -1 to +1 में लाई करती है, वी नो ऑलरेडी। सो आई जस्ट गिव द रेंज -2 to 2, तो -2 यहाँ है, 2 यहाँ है, वो उसने -2 और 2 को भी दिखा दिया यहाँ पे। बट द कर्व आर ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 और -1, वी ऑलरेडी नो दिस वन। तो इस तरीके से आप ग्राफ, 3 ग्राफ हो 4 ग्राफ हो, सबको एक ही में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये कब काम आएगा पता है, व्हेन वी स्टार्ट द सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी विल प्लॉट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द सेम कमांड।